जिला अस्पताल में घायल अवस्था में भर्ती ये पीड़ित औरंगाबाद दामोदरपुरा का रहने वाला मंगो सैनी है। मंगो सैनी के परिवार की पड़ोस में ही रहने वाले कुछ दबंगों से रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के चलते दबंग पड़ोसियों ने हमला बोल दिया। हमलावरों ने मंगो सैनी के साथ साथ उसकी माँ और उसके बेटे को भी मारपीट कर घायल कर दिया। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। पुलिस ने इस मामले में बजाय कार्यवाही करने के दोनों पक्षों के एक एक आदमी को पकड़कर 151 में चालान कर दिया और अपनी ड्यूटी पूरी कर ली। इस बारे में पीड़ित के परिजनों ने जानकारी दी। जी, ये इनकी पहले से रंजिश चल रही थी इनकी मलाओं की और इनकी। अच्छा, मैं तो गोवर्धन से उनका लड़का, मामा का लड़का लगता हूँ। तो इनकी पहले से रंजिश थी, चौथी बार बार किया है। क्या नाम है इनका? इनका मंगो सैनी है। और उनका लड़का क्या? लड़का का नाम लखन सैनी है। अच्छा, तो इनकी चल रही थी पहले से और अब जाके नहीं है। ये गजरा ला रहा था रस्ते में, तो ये रस्ते में पहले चार पांच लोंडिन ने लेके ये घेर लिया किया था रस्ते के अंदर। तो आके नहीं है ये शांत किया था, इनके पापा ने शांत किया था कि भाई अब मत करो, भाई उदम मत, लड़ाई दंगा करो, लड़ाई दंगे में क्या रखा है। तो ये इनने अपने लड़के सारे भीतर बंद कर दिए थे और इनके पीछे से आके इनके पापा में और इनकी मम्मी ने लाठी चार्ज किया। पत्नी का नाम क्या है इनकी का? शकुंतला। हाँ, वो भी घायल है इसने? नहीं, वो नहीं है, वो घायल नहीं है। नहीं, लेकिन मारपीट उनके साथ भी की है। हाँ, वैसे तो लाठी चार्ज सब में दिए हैं। तो ये तो पुलिस ने कार्रवाई की कि नहीं की अभी? उसने कार्रवाई की थी पर 151 में कार्रवाई कर दी थी। अच्छा, दूसरे को भी चोट तो नहीं है किसी के? दूसरे उन लोगों को तो आई नहीं है, हमारी बुआ के आई हैं, उनके 5 टांके हैं, इनके 6 टांके हैं। अच्छा, तो इसमें कुछ किया ही नहीं है, मतलब 151 में क्या है, खोपड़ी फोड़ दी है और लाठी चार्ज कर दी है। तो उनने क्या गुमराह किया है, ले दे के नहीं है, क्या बुक कर दिया है, तो इसमें कोई